नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें कि आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछे गए एक सवाल को डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सवाल को। सवाल ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग, डेफिकेशन ऑफ द बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ द बोधिसत्व एंड इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, विच ऑफ द एबव इज आर द फीचर्स ऑफ द महायान बुद्धिज्म। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब चौथा बुद्ध समिट हुआ था तो बुद्धिज्म दो भागों में टूटा था, एक हीनायान और दूसरा आपका महायान। तो आपको बताना है कि जो महायान बुद्धिज्म होता है वो इन तीनों में से कौन सा फीचर्स फॉलो करता है। पहला डेफिकेशन ऑफ द बुद्धा, मतलब कि बुद्धा को पूछता है। दूसरा ट्रेडिंग द पाथ ऑफ द बोधिसत्व, बोधिसत्व के पाथ को फॉलो करता है। बोधिसत्व का मतलब ये होता है जो भी बुद्धिज्म को फॉलो करता है, जो भी बुद्धा को फॉलो करता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। आप हो चाहे मैं हूँ, हम सारे के सारे बोधिसत्व कहलाएंगे अगर हम बुद्धा को मानेंगे। और तीसरा है इमेज वर्शिप एंड द रिचुअल्स, मतलब कि जो भी रिचुअल्स बुद्धिज्म में दिए गए हैं और भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले हम आपका जानते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को। पहले हम बात करेंगे महायान सेक्ट के बारे में। महायान सेक्ट वो है दोस्तों जो कि मूर्ति पूजा में बिलीव करता है, जो कि ये मानता है कि भगवान बुद्ध भगवान थे और वो उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है, ये सेक्ट भारत से निकलकर और कई सारे देशों में फैला, लाइक चाइना, कोरिया, जापान, ताइवान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, मंगोलिया, इन सारी कंट्रीज़ में आज जितने भी बुद्धिज़्म लोग फॉलो करते हैं वो सारे के सारे महायान सेक्ट के हैं। और महायान मंत्रों में बिलीव करते हैं। इट मेन प्रिंसिपल वेयर बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम द सफरिंग ऑफ फॉर ऑल बींग। इनका मानना है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी जो सफरिंग है, वो जो पीड़ा है, वो उनसे मुक्त हो जाए। ठीक है, उनको उनसे मुक्ति मिल जाए। इट प्रिंसिपल आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द बुद्धा एंड द बोधिसत्व एम्बॉडिंग बुद्धा नेचर। और जैसा कि मैंने ये बताया कि ये बोधिसत्व को फॉलो करते हैं, उनके फीचर्स को फॉलो करते हैं और ये बिलीव करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ बुद्धा में, मतलब कि ये मानते हैं कि बुद्ध भगवान थे। लेकिन इसके ठीक विपरीत है दोस्तों हीनायान सेक्ट। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धा की टीचिंग को मानते थे और इनका मानना है इंडिविजुअल सेलिब्रेशन पे, मतलब महायान फॉर ऑल ह्यूमन बींग एनलाइटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हीनायान बिलीव करते हैं इंडिविजुअल सेलिब्रेशन के बारे में। और हाँ दोस्तों, हीनायान ये मानते थे कि बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, वो एक आम इंसान थे जिन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन से सेलिब्रेशन को अटेंड किया था, दैट इज़ कॉल्ड निर्वाण। अब एक इससे हम पता लगा लेंगे कि हीनायान और महायान में क्या अंतर है। पहला, महायान वर्शिप द बोधिसत्व एंड रीड द महायान सूत्र। जैसा कि मैंने ये बताया कि ये बोधिसत्व के फीचर को फॉलो करते हैं और मंत्रों में बिलीव करते हैं, लेकिन हीनायान ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। महायान बुद्धिज्म फॉलो थिंक दैट द बुद्धा इज अ गॉड बिकॉज दे थिंक दैट द बुद्धा केम डाउन टू अर्थ टू हेल्प पीपल क्रॉस द सी ऑफ लाइफ, सो द बुद्धा कैन बी वर्शिप एज अ गॉड बिकॉज ही इज एटर्नल एंड कम्स डाउन टू द अर्थ। मतलब महायान ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे वो भगवान थे, वो धरती पे इसीलिए आए थे ताकि वो लोक कल्याण कर सकें, लोगों को सेलिब्रेशन का ज्ञान दे सकें। लेकिन हीनायान का मानना ये था कि भगवान बुद्ध एक नॉर्मल इंसान थे जिन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन से अपना निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, तीसरी चीज़, अगर आप महायान के बारे में बात करेंगे तो जितने भी आपके चाइना, कोरिया, जापान एंड तिब्बत जैसे इलाके हैं वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, महायान मिलेगा। और उसके ठीक विपरीत आपका जो इंडो चाइना है, श्रीलंका है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हीनायान मिलेगा। इनके जो वर्क हैं वो सारे के सारे पाली में हैं महायान के, और हीनायान के जो सारे के सारे टेक्स्ट हैं वो आपके संस्कृत में हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि हीनायान और महायान में क्या अंतर है। इसीलिए वो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें वो जो तीनों फीचर्स था वो तीनों फीचर्स फॉलो करते हैं महायान। तो उसका सही उत्तर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। सो उम्मीद है ये वीडियो देखकर अब आप लोगों को हीनायान एंड महायान से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो विश यू अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, बी हैप्पी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब गुरु घंटाल। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ।